में भी कहीं अच्छे, खाने में तो इससे भी ज्यादा अच्छे, यानी कि मीठे मीठे गुलाब जामुन, वो भी केवल 3 चीजों से। जी हाँ, जो हमें घर में ही रेगुलर यूज करते हैं, वही 3 चीजों से आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम गैस ऑन करेंगे, उसके बाद ये बाउल उसके ऊपर रख देंगे और 1.5 कप दूध लेंगे हम। दूध को हमें थोड़ा सा ही गर्म होने देना है, यानी कि उबाल नहीं आने देना। उसके किनारे किनारे उबाल दिखने लगे इतनी देर तक ही दूध को हमें गर्म करना है। तो ये देखिए, दूध हमारा गर्म हो रहा है और उसके साइड के किनारे किनारे पे उबाल आया है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके रवा डालेंगे, यानी कि सूजी डालेंगे। सूजी हमें एक साथ नहीं डालनी है, वरना इसमें लम्स हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी करके हमें सूजी डालनी है, यानी कि रवा डालना है, और एक साथ घुमाते जाइए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस एकदम लो रखेंगे और ये देखिए, हमारा सूजी का मावा एकदम रेडी हो गया है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो जाए, तब तक हम साचने की, उसके लिए मैंने 2 कप पानी लिया है। और 1.5 कप चीनी ली है। चीनी अपने अकॉर्डिंग से आप डाल सकते हैं, यानी लगभग तो 1.5 कप चीनी काफ़ी है इतने गुलाब जामुन के लिए। तो साचनी हमारी तैयार हो रही है। तो इसमें हम थोड़ा इलायची डालेंगे। अगर आपके पास केसर है, यानी केसर, फूड कलर जो भी है आप डाल सकते हैं। तो साचने हमारे तैयार हो, तब तक हम जो मावा रखा था वो ठंडा हो चुका है। थोड़ा थोड़ा ही ठंडा होने देना है। तो इसे हम अपने हाथ से अच्छे से मचल लेंगे। इस मावे को हमें एकदम मुलायम तैयार करना है। अच्छे से मसलने के बाद इसका हम एक डो तैयार करेंगे। हमारा डो तैयार हो गया है और इस तरफ हमारी साचनी भी रेडी हो गई है। तो गैस हम बंद कर देंगे और जो डो तैयार किया है उसमें से हम छोटे छोटे गुलाब जामुन के बॉल्स बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बॉल्स कितने अच्छे लग रहे हैं और एकदम मुलायम भी। तो हमारे सारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। तो बॉल्स हमारे रेडी हो चुके हैं, तो हम तेल गरम होने के लिए रख देंगे। और हमारा तेल गरम हो जाए उसके बाद हम जो छोटे छोटे गुलाब जामुन हमने बनाए हैं, यानी कि गुलाब जामुन के बॉल्स जो हमने बनाए हैं, वो इसमें डाल देंगे। गैस एकदम लो रखना है हमें, वरना सारे गुलाब जामुन जल जाएंगे। अगर आपके पास कोई बड़ा वाला पैन हो तो उसमें आप गुलाब जामुन फ्राई करें।
मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैंने इस तरह से गुलाब जामुन फ्राई किया है। तो हमारा गुलाब जामुन फ्राई हो चुका है, तो उसे हम साचनी के अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गुलाब जामुन इसमें डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर लिया। और दूसरे बॉल्स जो बचे थे वो भी हमने फ्राई होने के लिए रख दिए। तो वो भी हमारा फ्राई हो चुका है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और साचनी के अंदर मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे मीठे मीठे अच्छे अच्छे गुलाब जामुन।